ऑल राइट गाइस, तो गाइस यहाँ पर आज 1 जनवरी एंड गाइस यहाँ पर सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम योर आकाश भाई। एंड गाइस यहाँ पर आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ क्योंकि फ्री फायर में 1 जनवरी को लेकर के गाइस आ चुके हैं काफी कमाल के इवेंट, जिनको गाइस कंप्लीट कैसे करना है, आपको कौन कौन से फ्री रिवार्ड्स कैसे लेने हैं, एंड गाइस फ्री फायर के अपकमिंग रिवार्ड्स कौन से हैं, एंड गाइस साथ ही में सीजन 44 का जो इलाइट पास गाइस निकल करके आया है वो आप लोगों के लिए कितना बेनिफिशियल है, मतलब कि वो आप लोगों को लेना चाहिए या नहीं, सभी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस आपसे बस रिक्वेस्ट इतना है कि इस वीडियो को बस आप लोगों को इन तक वॉच यहां पर करते रहना है। सो हेलो वेलकम व्यूअर्स, मेरा नाम आकाश और आप देख रहे हैं आकाश प्रो गेमिंग 2.0 यूट्यूब चैनल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस यहां पर हम लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे फ्री फायर में न्यू इवेंट्स का, तो गाइस फाइनली यहां पर काफी सारे इवेंट्स गाइस हमारे फ्री फायर गेम के लिए निकल करके आ चुका है। तो गाइस सबसे पहले अगर हम लोग इवेंट की बात कर रहे हैं तो गाइस आज आप लोगों को जो चीज फ्री में मिलने वाला है ना, तो मैं सबसे पहले मैं आप लोग उसके बारे में दिखाता हूँ गाइस। वो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं लॉग इन रिवार्ड। तो गाइस यहाँ तो जैसा कि आप सब लोग जानते थे कि फ्री फायर में एक न्यू एज इवेंट चल रहा था, तो उसी का लॉगिन रिवार्ड आपको आज देखने को मिल गया है फाइनली। तो आपको सिंपली इस बैनर पर क्लिक करना है, अपने फ्री फायर गेम को ओपन करके, एंड गाइज यहाँ पर आपको आपको जो भी लॉगिन रिवार्ड होगा गाइज आप सिंपली उसको क्लेम कर पाओगे। एंड गाइज यहाँ पर अगर हम लोग बात कर ले अपने सेकेंड रिवार्ड की, तो गाइज जो हमारा सेकेंड रिवार्ड है वो गाइज है यहाँ पर हमारा मिस्ट्री बोनस टॉपअप। तो गाइज यहाँ पर आपको अप टू 100% ऑफ मिल सकता है आपके टॉपअप पर, जो कि गाइज यहाँ पर केवल January 1 से लेकर के January 3 तक के लिए ये इवेंट निकल करके आया है। तो मतलब गाइस सिंपली कि अगर आप मतलब टॉप अप करने का सोच रहे थे तो गाइस ये इवेंट आप लोगों के लिए काफी ओपी एंड कमाल का होने वाला है, ठीक है। एंड गाइस यहां पर मतलब मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूं कि मुझे यहां पर कितना का डिस्काउंट मिला है मिस्ट्री टॉप अप बोनस में। तो यहां पर गाइस आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि गाइस मुझे केवल और केवल गाइस मुझे यहाँ पर मतलब 47% का ऑफ देखने को आप लोग मिला है, आप लोग यहाँ पर देख लो। एंड बाकी गाइस मतलब ये अलग अलग मतलब आईडी पर अलग अलग वैरी करता है, किसी के आईडी पर ज़्यादा तो किसी के आईडी पर कम। बाकी सबसे लकी तो वो होगा जिसके आईडी पर 100% का यार मतलब टॉप ऑफ फ्री वाला मिलेगा, उसका तो यार पूरा का पूरा लकी बन जाएगा, है ना। तो गाइस ये सब कुछ रखते हैं साइड में, गाइस यहाँ पर आपको आपका टॉप ऑफ बोनस में कितना का ऑफ मिल रहा है, मतलब कितना परसेंट का आपको ऑफ मिल रहा है नीचे कॉमेंट करके बताओ यार, मैं आपके कॉमेंट का वेट कर रहा हूँ। एंड गाइस यहाँ पर सिंपली से जो हमारा थर्ड इवेंट निकल करके आ रहा है वो तो मतलब काफी ओपी वाला है गाइस। यहां पर आपके लिए एक नया मैप का रिवार्ड देखने को मिल रहा है, मतलब कि आपको एक नए मैप पर प्ले करना है एंड उस प्ले करने का रिवार्ड आपको देखने को मिलेगा। तो बैनर सिंपली आपको ऐसा दिखेगा, आप लोग देख लो। तो यहां पर आपको सिंपली लिखा हुआ आएगा मैप हो प्ले द न्यू मैप फॉर रिवार्ड्स, मतलब कि ये सब सिंपल है कि आपको एक नया मैप खेलना पड़ेगा जिसमें खेलने के लिए आपको गाइस रिवार्ड देखने को मिलेगा। तो अभी हमारे बात करें रिवार्ड कौन कौन सा है, तो गाइस यहां पर आप लोग पूरा देख लो गाइस। ये है यहां पर इसका डेली टास्क एंड रिवार्ड, जो कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, मतलब जो टास्क वगैरह कंप्लीट करें, जैसे कि पहला टास्क है प्ले 3 गेम, फिर गाइस प्ले 1 गेम ऑन द मैप, फिर गाइस डिफीट 5 एनिमीज ऑन द मैप, मतलब डेली लॉग इन करके गाइस ऐसे ही टास्क आपको कंप्लीट करने हैं एंड उसी का आपको रिवार्ड मतलब गाइस रिवार्ड वगैरह उसी में आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइज यहाँ पर एज ए रिवार्ड आपको मैप होप का टोकन देखने को मिल जाएगा, जो कि आप मतलब जो भी आप वहाँ पर चैलेंज कंप्लीट करोगे तो गाइज वो टोकन आपको देखने को मिल जाएगा। एक चैलेंज कंप्लीट करने पर आपको 3 टोकन देखने को यहाँ पर मिलेगा। एंड बाकी गाइज यहाँ पर हम लोग बात कर ले अगर अपने नेक्स्ट रिवार्ड की, तो गाइज यहाँ पर हमारा अगला रिवार्ड है, मतलब रिवार्ड नहीं गाइज, यहाँ पर आ चुका है हमारा इलाइट पास सीजन 44 का। तो गाइज यहाँ पर सीजन 44 के इलाइट पास में मतलब मुझे जहाँ तक लग रहा है इसका नाम रखा गया है प्लैनेट रॉक करके, ठीक है। एंड इसका लीक तो मैंने आपको पहले ही मतलब वीडियो में बता दिया था कि सीजन 44 के इलाइट पास आने वाला है। एंड गाइस बात कर ले अगर इस इलाइट पास के रिवार्ड्स की, तो यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि इलाइट पास हमें खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, मतलब काफी तरह के यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि क्या करें, इलाइट पास हम यहाँ पर ले कि नहीं लें। तो गाइस मैं आप लोग का आज क्वेश्चन यहाँ पर ये क्लियर करने वाला हूँ इसी वीडियो में, आप लोग को अलग वीडियो की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बस इस वीडियो को आप लोग इन तक वॉच यहाँ पर करते रहो। तो गाइस आपको इलाइट पास के अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लें, तो गाइस यहाँ पर सीजन 44 के इलाइट पास में आपको ये सब चीज देखने को मिलती है, मैं आप लोग को एक राउंड सब कुछ दिखा देता हूँ। तो गाइस सबसे पहले ये आप लोग देख लो यहाँ पर, ये आपको गन की स्किन देखने को मिल रहा है स्नाइपर का, फिर गाइस ये है कि यहाँ पर आउटफिट जो कि यहाँ पर नाम है स्टार स्प्लैश जैकेट करके, ठीक है। तो एंड गाइस यहाँ पर आपको ये मतलब वेपन रॉयल वॉचर देखने को मिलता है, एंड गाइस यहाँ पर आपको मतलब रिसप्लाई मैप प्ले कार्ड देखने को मिलता है। एंड बाकी गाइस आप लोग यहाँ पर सब कुछ देख लो क्या क्या देखने को आपको मिल रहा है, बाउंटी टोकन प्ले मिल रहा है गाइस, पेट का फूड। लेकिन गाइस यहाँ पर जो इसमें मुझे ठीक लगा ना गाइस, ये आपको मिलने जा रहा है यहाँ पर सेलेस्टियल कम्फर्ट बंडल आपको देखने को यहाँ पर मिलने जा रहा है। तो गाइस मेरे ख्याल से ये बंडल ज़्यादा रेयर तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से गाइस एक तरह से ठीक रहेगा अगर आप कोई नया बंडल वगैरह खोजने का मतलब अगर आप सोच रहे थे तो। एंड गाइस इस इलाइट पास के अगर हम लोग अदर मेन आइटम की बात करें, तो गाइस वो यहाँ पर आप लोग देख लो जो कि गाइस यहाँ पर Max 7 बिग बैंग करके। तो मेरे ख्याल से गाइस ये भी स्किन काफ़ी कूल लग रहा है अगर देखा जाए तो गाइस मेरे ख्याल से अगर आप लोग पूछो तो गाइस ये भी एक यहाँ पर देख लो जो एस्ट्रॉइड का निकल करके आया स्केटबोर्ड, गाइस ये भी मुझे काफ़ी ओपी लग रहा है क्योंकि बहुत कम लोग के पास है। मेरे ख्याल से गाइस ये मतलब ज़्यादा रेयर आइटम नहीं है, लेकिन अगर हम लोग हाफली बात करें तो गाइस ये एक हाफ रेयर आइटम इसको माना जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी कूल लगता है अगर आप इसको गेम में यूज़ करते हो।
तो। एंड बाकी गाइस यहाँ पर जो हमारा अगला रिवार्ड है वो भी काफ़ी ओपी वाला है। तो गाइस यहाँ पर आप लोग ये देखो गाइस, ये स्प्लैश ग्रेनेड करके मतलब लुक वगैरह के ग्रेनेड में स्किन वगैरह बहुत कम आए थे, लेकिन ये इसको देखने के बाद गाइस ऐसा लग रहा है कि मतलब थोड़ा मुझे ठीक लग रहा है। एंड गाइस ये है आपका यहाँ पर नेम वाला, जहाँ पर जैसे ये सोता है ऊपर में, तो गाइस ऐसा ही आपको ऐसा मतलब आपको ऊपर का नेम वाला कार्ड आपको देखने को मिल जाएगा आपका। एंड बाकी गाइस एक ये भी गाइस सबसे मस्त यहाँ पर रॉकेट मतलब लूट बॉक्स है गाइस, तो ये भी आपको देखने को मिल जाएगा इसी इलाइट पास में। एंड गाइस ये एक इवोल्यूशन स्टोन, तो गाइस ये भी आपको इसी इलाइट पास वगैरह में सब कुछ में देखने को आपको मिल जाएगा। तो गाइस अगर मेरी तरफ से बात करें, एंड गाइस यहाँ पर लास्ट में आप लोग एक फ्री मैजिक क्यूब भी देखने को मिलेगा, आप लोग यहाँ पर देख लो। तो गाइस यहाँ पर आप लोग को अगर मैं बोलूँ तो गाइस ये इलाइट पास आप लोग ले लो, जैसे कि मुझे लग रहा है गाइस बंडल्स वगैरह काफ़ी कमाल के आए हुए हैं गाइस, ये चांस बन रहा है इन द फ्यूचर ये बंडल जो उसमें लेकर के आए वो गाइस रेयर हो सकता है। तो अगर आप लोग उसको ले लेते हो तो मेरे ख्याल से गाइस ये काफ़ी ओपी वाला सीन रहेगा आप सभी लोगों के लिए। एंड बाकी आप लोगों को क्या लगता है नीचे कमेंट करके मेरे को बताना, ठीक है? आप लोग अपनी जो भी मर्जी है नीचे कमेंट करके मुझे। एंड गाइज ये तो बात हो गई फ्री फायर के लाइव इवेंट्स की, लेकिन अगर हम लोग बात कर ले अगर फ्री फायर के अपकमिंग इवेंट्स की, तो गाइज यहाँ पर अपकमिंग में फ्री फायर में गाइज तुरंत एक इवेंट आने वाला है, तो मैं उस इवेंट के बारे में आप लोग को बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो को यहाँ पर एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पर कर लो। एंड गाइज बहुत लोग बोल रहे हैं कि यार गिवअवे का रिजल्ट नहीं आया, गिवअवे का रिजल्ट नहीं आया। तो गाइज मैंने आप लोगों को जो ब्लॉग पर कमेंट करने को बोला था ना गाइज, उस पर अब तक बहुत कम कमेंट्स हुए यार, इतने में मतलब क्या ही गिवअवे का रिजल्ट आया यार, मतलब एटलीस्ट उस पर गाइज जैसे ही 1000 कमेंट्स उस पर पूरे हो जाते हैं तो गाइज आप लोगों का गिवअवे रिजल्ट आप लोगों को तुरंत वहां पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो बस आप लोग 1000 कमेंट्स का यहां पर वेट करो। एंड बाकी गाइज मैं यहां पर बोल दूं फ्री फायर के अपकमिंग इवेंट के, तो गाइज उसका नाम है यहां पर मोको स्टोर और कुछ ऐसा करके, तो आप लोग देख लो उसमें कौन कौन सा बंडल वगैरह मतलब क्या क्या चीज स्पिनिंग में आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो गाइज ये है मोको स्टोर का प्रीव्यू। तो गाइज यहां पर सबसे पहले आपको ये बर्निंग बंडल देखने को मिलता है, ये देख लो आप लोग, ठीक है? एंड सेकंड में गाइज आप लोग को ये चीज देखने को मिलता है फॉक्स टाइप का, थर्ड में गाइज आपको ये आउटफिट देखने को मिलेगा, एंड गाइज फोर्थ में तो यहाँ पर आपको देख लो क्या है, एंड गाइस फिफ्थ में आप लोगों को एक पेट देखने को मिलता है, सिक्स में गाइस ये गनिंग का स्किन आपको देखने को मिलता है, एंड गाइस सेवेंथ में आप लोगों को गाइस ये यूएफओ वाला ये देखने को मिलेगा, आप लोग देख लो। तो गाइस इसका इवेंट का नाम है स्पिनिंग इवेंट गाइस मोको स्टोर। तो गाइस मोको स्टोर में आप लोग देख लो क्या क्या चीज आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो गाइस मैंने आप लोगों को इसका फुल प्रीव्यू में दे दिया है। तो गाइस सबसे पहले आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आप लोग फ्यूचर में किस मतलब किस चीज के लिए आप इवेंट का वेट कर रहे हो, यानी कि किस बंडल के लिए या फिर किस इमोट के लिए एंड या फिर कोई मतलब आउटफिट के लिए, नीचे कमेंट करना आप लोग मत भूलना। एंड बाकी गाइस इवेंट का सिलसिला यहीं पर खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोगों को ऐसे और भी कमाल के ओपी वाले वीडियोस इसी चैनल पर देखने को मिलने वाले हैं। तो आई होप यार तुम लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो यार वीडियो थोड़ा तो कर क्या रहो यार, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऐसा प्रेस करो कि यूट्यूब वाला पागल हो जाए कि यार इसके इतने सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ रहे हैं यार, ऐसा फैन बेस क्रिएट करना है अभी हमें, ठीक है? मतलब कि हमें तो अज्जू भाई को भी कराना है, मतलब मेरा आप लोग समझ लो गाइस कि मुझे आप लोग पर कितना ट्रस्ट है यार, आप लोग भी थोड़ा ट्रस्ट यहाँ पर होना चाहिए। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गाइस फिलहाल के लिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर कल एक और वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय गाइस एंड टेक केयर ऑफ यू।